बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रेडियोलॉजी। तो लास्ट चैप्टर है जनरल सर्जरी का, वो है रेडियोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं पहले अल्ट्रासाउंड से। ओके, तो जो स्टार्ट करते हैं, एक पेशेंट को जॉन्डस है और राइट हाइपरकॉन्ड्रिया में पेन है, डेट मीन सीबीडी में स्टोन है। तो उसके लिए जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कराई गई वो अल्ट्रासाउंड है। बाकी और क्या क्या करवा सकते हैं, उनके फ़ायदे क्या है? अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, हीडा स्कैन करवा सकते हैं, हिपैटोबिलरी अमाइनो डाई एसिटिक एसिड स्कैन, MRCP ERCP आ जाएगा। अल्ट्रासाउंड से दो फायदे हैं, अल्ट्रासाउंड से आप स्टोन देख सकते हैं और पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड दे सकते हैं। हीडा स्कैन से आप डट के डायमीटर को देख सकते हैं और सीबीडी के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ओके, MRCP नॉन इन्वेसिव टेक्निक होती है। ओके, ये डायग्नोस्टिक होती है, वैसे यहाँ पे थेरापेटिक भी लिखा हुआ है, लेकिन मेनली डायग्नोस्टिक होती है सीबीडी स्टोन में, जो कि ERCP डायग्नोस्टिक है, थेरापेटिक होती है और ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस में इंडिकेटेड होती है। ओके, एक पेशेंट है, उसका पेरिफेरल इस्केमिक लिम्ब है। ओके, और डॉपलर स्टडी के लिए लिया हुआ है। तो जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे काम करता होता है? तो होता क्या है कि जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है, जिनकी हमारे नॉर्मल साउंड वेव्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, जब वो मूविंग ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होने की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है उस अल्ट्रासाउंड वेव का। और इसी फ्रीक्वेंसी चेंज को मेजर करने से हम स्पीड निकाल सकते हैं और इसके अलावा डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, इस वजह से हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड निकालते हैं। ओके, ठीक हो गया। जिसके अंदर आप मेजर वेसल्स के अंदर, ओके, या स्मॉलर वेसल्स के अंदर लाइक लीवर और किडनी के अंदर आप क्या करते हैं, वेलोसिटीज को आप क्या करते हैं, मेजर करते होते हैं। तो क्या प्रिंसिपल है? नंबर वन, मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक RBCs है, ओके, उससे अल्ट्रासाउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से स्पीड निकाल सकते हैं और वेलोसिटी निकाल सकते हैं। स्पीड और डायरेक्शन को मिला दे तो वेलोसिटी बन जाती है। एडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, इसमें रेडिएशन इन्वॉल्व नहीं होता, प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, इनएक्सपेंसिव, पहले इन्वेस्टिगेशन यही होती है। ओके, इसका टिश्यू रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है सॉफ्ट टिश्यूज के लिए। ओके, डायनेमिक स्टडीज भी आप कर सकते हैं, लाइक मूवमेंट वाली जो स्टडीज होती है उनको डायनेमिक स्टडीज कहते होते हैं। ओके, और हिपैटोबिलरी सिस्टम के लिए और रीनल डिजीज के लिए फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन यही होती है, एक्सरे के बजाय हम यही कराते होते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। गायनाकोलॉजी या प्रोस्टेट के अंदर भी हम करवाते होते हैं, ब्रेस्ट, थायराइड या एंडोक्राइन ऑर्गन्स के लिए भी कराते होते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज के लिए काफी गुड है, टेंडन्स और लिगामेंट के लिए, सिस्ट को, फॉरेन बॉडीज को, पानी से भरी थैलियां को भी देखने के लिए कर सकते हैं। डॉपलर स्टडी से आप ब्लड फ्लो को मेजर कर सकते हैं, वेन्स की स्टडी कर सकते हैं, लाइक वेरिकोसील हो गया, ओके, टेस्टिकुलर टॉर्शन हो गया, उन सबको देखने के लिए कर सकते हैं। ओके, और इससे आप बायोप्सिस और ड्रेनेज कर सकते हैं, NCN ड्रेनेज, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन, NCN ड्रेनेज कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या होती है? ओके, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है सिर्फ एग्जामिनेशन के दौरान ही पॉसिबल होती है, इसके लिए आपको लॉन्ग लर्निंग कर्व होती है, काफ़ी सारा सीखना पड़ता होता है एक्सपर्ट्स बनने के लिए। ओके, अभी रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होती है, मशीन के रेजोल्यूशन पर डिपेंडेंट होती है, और इमेजिंग जो इमेजेस होती है, ओके, इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से रिव्यू नहीं कर सकते होते इमेजेस को अवे फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है, ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ब्रूजेस हुई हुई है लेफ्ट लोअर चेस्ट के अंदर, क्या हो सकता है? स्प्लीन रप्चर हो सकती है, स्प्लीन के स्प्लीन इसी जगह पर पड़ी होती है। अब रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड इन एमरजेंसी, एमरजेंसी में अर्ली डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी सस्ता होता है और रैपिड होता है, नॉन इन्वेसिव होता है, रिपीट कर सकते हैं, पेनलेस होता है और अवेलेबल होता है क्योंकि पोर्टेबल मशीन्स होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन से कंट्रास्ट स्टडी हम इस्तेमाल करते हैं एब्डोमेन के डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। तो पहला तो बेरियम स्टडीज है, इसोफेगस के डिजीज को देखने के लिए बेरियम स्वालो आ जाएगा, स्टोमक के डिजीज को देखने के लिए बेरियम मील है, इंटेस्टाइन के डिजीज को देखने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बेरियम फॉलो थ्रू है, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए बेरियम नीमा। बाकी कंट्रास्ट इन सिटी स्कैन इस्तेमाल कर सकते हैं, IV यूरोग्राम है, परकुटेनियस ट्रांसहेपेटिक एंजियोग्राफी आप कर सकते हैं। ओके, एडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड ऑलरेडी हो चुकी है, लिमिटेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड हो चुकी है कि इंटरप्रिटेशन सिर्फ एग्जामिनेशन के टाइम पे होती है, लॉन्ग लर्निंग कर्व होता है, रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होता है और इमेजेस को रिव्यू नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा डायग्नोस्टिक। ओके, अल्ट्रासाउंड एब्डोमन करा लोगे अगर एब्डोमन की डिस्टेंशन और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस है। ओके, अब बता रहे हैं कंपैरिजन विद अदर टेक्निक एज कंपेयर टू एक्सरे, एक्सरे से अगर हम कंपेयर करें तो इट कैन नॉट बी यूज फॉर इमेजिंग ऑफ बोनी स्ट्रक्चर। ओके, तो अगर हम एक्सरे से कंपेयर करें, एक्सरे हड्डी के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये अल्ट्रासाउंड इसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके अलावा जो इंटेस्टिनल गैस होती है उसकी वजह से आप पेनक्रियास और एओर्टा नहीं देख सकते, डैट इज वाई सीटी स्कैन करना होता है। तो सीटी स्कैन से कंपैरिजन करें तो आप पेनक्रियास और एओर्टा को नहीं देख सकते, एक्सरे से कंपैरिजन करें तो आप बोन्स को नहीं देख सकते। इसके बाद एक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है, कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस है, उसके लिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कराया हुआ है। अब जो एंडोस्कोपी होती है उसके डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक पर्पस होते हैं। डायग्नोस्टिक पर्पस क्या होते हैं? डायग्नोस करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई मैलिग्नेंसी स्टोमक की या गैस्ट्रिक की या हिपैटिक मैलिग्नेंसी, उसको देखने के लिए करते हैं, या कोई कोलिटिकल माइक्रोलिथियासिस उसको देखने के लिए इस्तेमाल होती है। थेरापेटिक के अंदर क्या होती है? थेरापेटिक के अंदर बायोप्सी ले सकते होते हैं, बायोप्सी कहाँ से ले सकते हैं? पैरा इसोफेजियल लिम्फ नोड से ले सकते हैं, यानी इसोफेगस के लिम्फ नोड है, सबम्यूकोसल अपर GIT लीगन है, पैनक्रियाटिक और बिलियरी मैस है। ओके,
लेफ्ट लीवर मैस या लेफ्ट एड्रीनल मैस यहाँ से ले सकते हैं, या आप ड्रेनेज कर सकते हैं पेनक्रियाटिक सुडोसिस से, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं, या सिलिक प्लेक्सिस ब्लॉक कर सकते हैं, ये किसमें करते हैं पेनक्रियाटिक कैंसर में पेलिएटिव ट्रीटमेंट के तौर पर। तो क्या दो इंडिकेशन है डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक होती है। डायग्नोस्टिक के अंदर इसोफेजियल गैस्ट्रिक और हिपैटिक मेलिग्नेंसी को स्टेज करने के लिए और कोलिडिकल माइक्रोलिथियासिस को देखने के लिए, और थेरापेटिक के अंदर क्या होगा बायोप्सी लेने के लिए, ड्रेनेज करने के लिए पेनक्रियाटिक सुडोसिस्ट की और सिलिक प्लेक्सिस ब्लॉक करने के लिए। अब एडवांटेजेस ऑफ एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड क्या एडवांटेज होते हैं, तीन एडवांटेज को रट्टा मार लेना। ओके, नंबर वन, आप इसोफेगस की सारी लेयर्स को देख सकते हैं, एनाटॉमी को देख सकते हैं। नंबर टू, ट्यूमर की थिकनेस देख सकते हैं, और लास्ट में हार्ट की इमेजेस भी ले सकते हैं, यानी थोरैक्स वाले सारे बताए हुए। ओके, इसोफेगस की एनाटॉमी, ट्यूमर की थिकनेस और हार्ट की एक्यूरेट वेरियस इमेजेस ले सकते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ एंडोरेक्टल अल्ट्रासाउंड इन स्टेजिंग। ओके, ठीक है, यदि सी ए रेक्टम है इसके लिए आपने अल्ट्रासाउंड कराते हैं स्टेजिंग के लिए, तो क्या फायदे होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं। अल्ट्रासाउंड का वही पॉइंट है, रेडिएशन नहीं होता, एक्सपेंसिव नहीं है, सुपर सॉफ्ट टिश्यू रेजोल्यूशन होती है नियर फील्ड के अंदर, डायनेमिक स्टडीज आप परफॉर्म कर सकते हैं, सिस्ट के लिए फॉरेन बॉडीज के लिए अच्छी होती है, डॉपलर स्टडी कर सकते हैं, गुड रियल टाइम इमेजिंग है टू गाइड इंटरवेंशनल बायोप्सीज और ड्रेनेज। तो यही पॉइंट्स है जो आपने ऑलरेडी किए हुए। इसके बाद सिटी स्कैन वाला टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पर एक शॉपकीपर है, उसको चेस्ट पे पेन हुआ आफ्टर हिट बाय द स्पीडिंग व्हीकल है, उसकी पल्स ठीक है, बीपी काफ़ी गिर गया है, सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड है, डेट मीन्स सबक्यूटेनियस एम्फिजीमा हुआ है। डिस्नी आफ्टर इनिशियल रिसेसिटेशन क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे, सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करा लोगे पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू में, बाकी सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह आप करा लेते हो। अच्छा, ये सीटी स्कैन ही था, एक्सरे था। अब कंपैरिजन विद अदर, ओके ठीक है, कंपैरिजन विद अदर्स, तो एक्सरे से क्या होता है, एक्सरे के अंदर लाइक आप एयर, फैट, सॉफ्ट टिश्यूज, बॉन्स, मिनरल्स, मैटर्स आप देख सकते हो। एक्सरे सस्ती होती है, यूनिवर्सली अवेलेबल होती है, हर जगह पे अवेलेबल होती है, इजीली रिप्रोड्यूसेबल कर सकते हैं, कंपैरेबल होती है प्रायर एग्जामिनेशन से, यानी कोई प्रीवियस एग्जामिनेशन हुआ या प्रीवियस एक्सरे हुआ तो उसे कंपेयर कर सकते हैं, लो डोज आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। लेकिन कंट्रास्ट करें, ओके, तो आप सॉफ्ट टिश्यूज को देख नहीं सकते, ओके, और लैक ऑफ सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट, और सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट ना होने की वजह से इसके अलावा क्या होते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी नहीं देख सकते, उनके आर्किटेक्चर को। इसके बाद मैमोग्राफी वाला है, तो मैमोग्राफी वाला टॉपिक है, तो आप पूछ रहे हैं कि ब्रेस्ट के कैंसर के लिए हिस्टोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, एनएससी और बायोप्सी होती है, बायोप्सी थ्रू कट या कॉर्ड कट बायोप्सी होती है, एनसीजीएल या वेज बायोप्सी होती है। रेडियोलॉजी में क्या होगा, रेडियोलॉजी में मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड होता है, ऑपोजिट साइड से हम अल्ट्रासाउंड ले सकते होते हैं। अब ब्रेस्ट कैंसर में जीन कौन से होते हैं, बरका A1 बरका A2 होते हैं, और रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, ERPR और HER2 रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, ठीक है, एक फीमेल है वो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कराई है मेडिकल सेंटर में और वो भी परेशान है, तो आपने क्या बताना है, काउंसलिंग कैसे करनी है स्क्रीनिंग से रिलेटेड, आपने बताना है कि जो स्क्रीनिंग है, मैमोग्राफी है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और अगर मैलिग्नेंसी है तो उसको इतना जल्दी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसको ठीक भी कर सकते हैं। ओके, अब कौन सी मैलिग्नेंसी है जिसकी स्क्रीनिंग करती है, ब्रेस्ट की करती है, सर्विकल कैंसर की करती है, कोलोरेक्टल कैंसर की करती है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की करती है। ओके, अब मैमोग्राफी के दो तरह के व्यू होते हैं, हेड टू टू, हेड को क्रेनियल और टू को कॉर्डल, क्रेनियल कॉर्डल ये एंगल होता है, मीडियो लैटरल व्यू होता है, साइड से लेते होते हैं। ओके, अब एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड कब लेते हैं, ये अगर ब्रेस्ट काफ़ी डेंस है उस केस में लाइक मैमोग्राफी नहीं कर सकते। नंबर टू, सिस्ट को सॉलिड लियन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं, या इम्पालपेबल एरियाज को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं। ओके, तो DIC से रट्टा मार सकते हो, डेंस, इम्पालपेबल और सिस्ट वाले एरिया को देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैमोग्राफी के क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले क्या करना है, ब्रेस्ट को ना रेडियो सेंसिटिव फिल्म से कॉन्टैक्ट दिलवाना है, यानी ब्रेस्ट को रेडियो सेंसिटिव फिल्म के ऊपर अप्लाई करना होता है, फिर लो वोल्टेज एक्सरे रेडिएशन पास करनी और फिर आपने रेडियोग्राफ लेना होता है। ओके, अब इसकी जो डोज ऑफ रेडिएशन होती है वो 0.1 होती है और ये काफ़ी ज़्यादा सेफ होती है, और कहा जाता है कि अगर 200 एक्सरे मिला दे तो एक सीटी स्कैन बनता होता है। ओके, रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन इफ पेशेंट वाज 20 ईयर ओल्ड, तो नो, बिकॉज 20 ईयर ओल्ड में ब्रेस्ट में डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो मैमोग्राफी को इंटरप्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो अल्ट्रासाउंड करते होते हैं। ओके, रिप्रोडक्टिव फीमेल के अंदर 40 से नीचे वाले के अंदर अल्ट्रासाउंड, इससे ऊपर वाले में मैमोग्राफी करते होते हैं। ओके, इसके बाद है थ्री डायमेंशनल और मल्टीप्लैनर सीटी स्कैन, इसके फायदे क्या होते हैं, इससे आप कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर को देख सकते हैं। ओके, इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, सीटी एंजियोग्राफी, ब्रोंकोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी भी कर सकते होते हैं। ओके, ठीक है, ये आपके स्टेप्स आ जाएंगे। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, सीटी स्कैन में ज़्यादा रेडिएशन चाहिए होती है। ओके, पेरिफेरीज के सॉफ्ट टिश्यू रेजोल्यूशन खराब होती है और पेशेंट को फ्लैट और स्टिल बैठना पड़ता है। ओके, फ्लैट और स्टिल रहना पड़ता है ड्यूरिंग सीटी स्कैन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि सीटी स्कैन के लिए एडवाइस किया गया प्रेग्नेंट लेडी को, लेकिन दूसरे बंदे ने डिसएग्री कर दिया। क्यों? क्योंकि सीटी स्कैन में आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है जो कि फीटस को नुकसान पहुंचा सकती है, डैट इज़ वाई आपको अल्ट्रासाउंड प्रेफर करना होता है। अल्ट्रासाउंड क्यों प्रेफर करते हैं, रेडिएशन नहीं होती, इनएक्सपेंसिव होता है, सॉफ्ट टिश्यू रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छी होती है, डायनेमिक स्टडीज कर सकते हैं, ऑलरेडी वही पॉइंट्स है जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, इसके बाद इंडिकेशन ऑफ सीटी स्कैन इन द हेड पेशेंट, स्पेसिफिकली कितने घंटों में आया हुआ। ओके, लाइक
सिटी स्कैन की इंडिकेशन, चलो ठीक है विद इन 1 आवर कर लेते हैं, या अगर GCS 13 से नीचे का किसी भी पॉइंट पे, या 2 घंटों से 2 घंटे हो गया GCS 15 से नीचे का है, या कोई स्कल का फ्रैक्चर है, ओपन डिप्रेस के बेसल सेल्स फ्रैक्चर है, या डेंजरस इंजरी है, फॉर एग्जांपल फॉल फ्रॉम हाइट या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, अब स्पेशल प्रिकॉशन क्या होगी, आपने ड्यूरिंग स्कैनिंग आपने क्या करना है, जो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर फीटल रेडिएशन के एक्सपोजर को प्रिवेंट करना होता है, और सेफ इन्वेस्टिव इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है, सेफ नॉन इन्वेसिव, तो अल्ट्रासाउंड आ जाती है। अब रेक्टल कैंसर के अंदर सीटी स्कैन का क्या रोल होता है, ओके वाइड अवेलेबिलिटी होती है, स्कैनिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, ओके और सिंगल टेस्ट के अंदर आप पूरे एब्डोमन पेल्विस और चेस्ट को देख सकते हैं, ट्यूमर को देखने के लिए, मेटास्टेसिस को देखने के लिए, और लोकली एडवांस रेक्टल कैंसर को भी देख सकता है, टी कैटेगरीज को एसेस कर सकता होता है। अब लास्ट में MRCP होता है, ओके वी एक पेशेंट है जिसको एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई भी है, तो क्या क्या टेस्ट करवा सकती है, एक्सरे एब्डोमन करा सकती है, बेरियम एनीमा करवा सकती है, फॉलो थ्रू करा सकती है, CT स्कैन अल्ट्रासाउंड करा सकती है, ओके। अब यहाँ पे लिखा है कि MRI का प्रिंसिपल, MRI का क्या प्रिंसिपल होता है, MRI का प्रिंसिपल ये होता है कि ओके आपकी हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स के एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेल्स के अंदर एक एटम का न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक मोशन होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं अपने मोशन की वजह से, ओके। अगर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो न्यूक्लियाई होती है ना, वो अपने आपको अरेंज कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और एक मैग्नेटिक मोशन प्रोड्यूस करते हैं, मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं, और इससे एक और इन मोशनों को ख़राब करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स होती है, जब रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स को रिमूव करती है तो ये न्यूक्लियस होते हैं वापस रीअरेंज कर लेते हैं, और इस प्रोसेस में रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रोड्यूस होता है जिसको रिकॉर्ड करते हैं, इनकोड करते हैं, और इससे ग्रे स्केल इमेज क्रिएट करते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, दोबारा बता देता हूँ, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक मोशन होती है, और ये मैग्नेटिक मोमेंटम प्रोड्यूस करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो ये अपने आप को रेंज कर लेगा और मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाई करेंगे, फिर हम इनकी मोशन को ख़राब कर देंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स को देने के बाद, फिर इनकी पल्स को रोकने के बाद ये दोबारा इनकी मूवमेंट आ जाएगी, रिलैक्सेशन वाली मोशन आएगी, और इस केस में फ्रीक्वेंसी को एजेक्ट करेंगे जिसके हम रिकॉर्ड कर सकते होते हैं, ओके। अब डिफरेंस लिखा हुआ T1 और T2 वेटेड इमेज का, T2 का रट्टा मारना वर्ल्ड वाइड 2, यानी जो वाटर होता है वो आपको वाइट नजर आता होता है, ओके ठीक है, तो वाटर क्या होता है, ओके तो जो T2 के अंदर क्या होगा, तो सॉलिड मास होगा, सिस्ट होगी, इसमें वाटर होगा तो वो ब्राइट देखने को मिलेगा, जो ब्लड है वो डार्क देखने को मिलता है, फैट आपको डार्क देखने को मिलता होता है, इसको मैं उलट कर दूँ, ओके उलट, लाइक जो फैट है वो अगर ब्राइट देखने को मिले, सॉलिड मास वो आपको डार्क देखने को मिले, ग्रे देखने को मिले, तो ये आ जाएगा। अब MRI की जो मॉडिफिकेशन होती है, MRCP हेपेटोबिलरी के अंदर और आर्टरीज को देखने के लिए MR एंजियोग्राफी होती है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ MRI कभी भी मेटालिक फॉरन बॉडी के अंदर, पेस मेकर के अंदर, या कोक्लियर इम्प्लांट के अंदर, या क्रेनियल एनोरिज्म क्लिप लगी है तो कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करना। अब लिमिटेशन क्या होती है, कुछ तो इसकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, वही मेटालिक फॉरन बॉडी है, पेस मेकर होता है, कोक्लियर इम्प्लांट होता है, इस केस में आपने इस्तेमाल नहीं करना होता, ओके, या क्रेनियल एनोरिज्म क्लिप्स है, रिलेटिव के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करते, क्लॉस्ट्रोफोबिया में, किसी बंदे को खौफ होता है कंजेस्टेड जगह पे, इसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, ओके ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब रोल ऑफ MRI इन स्टेजिंग ऑफ रेक्टल कैंसर, तो सीटी स्कैन का रोल आ गया था, ओके अब MRI का क्या रोल होता है, ओके MRI से आप ट्यूमर की लोकेशन और मॉर्फोलॉजी निकाल सकती है, TNM क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा म्यूरल वास्कुलर इन्वेजन आप देख सकते हैं, इसके अलावा स्पिंक्टर कॉम्प्लेक्स वगैरह को देख सकते होते हैं। अब इंडिकेशन ऑफ MRI इन ब्रेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट वाले में भी होता है, 1 स्कार को रिकरेंस से डिफरेंशिएट करने के लिए, 2 मल्टीफोकल और मल्टीसेंट्रिक ट्यूमर को देखने के लिए, 3 हाई ग्रेड DCIS को देखने के लिए इम्प्लांट्स वाले के केस के अंदर, और हाई रिस्क पेशेंट फीमेल के अंदर कोई फैमिली हिस्ट्री या ब्रेस्ट कैंसर की तब कर सकते होते हैं, बाकी और क्या करा सकते हैं, अदर इमेजिंग मोटेलिटी फॉर मैलिग्नेंट ब्रेस्ट, तो मेटास्टेसिस को देखने के लिए, लंग्स को देखने के लिए चेस्ट एक्सरे सीटी टेस्ट करा सकते हैं, लीवर को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड और सीटी टेस्ट करा सकते हैं, ब्रेन के लिए सीटी स्कैन और बोन को देखने के लिए रेडियो आइसोटोप स्कैन आ जाएगा। एक्यूट एब्डोमन है जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशनल चॉइस कंट्रास्ट इन सीटी स्कैन होता है, बाकी एक्सरे अल्ट्रासाउंड बेरियम स्टडीज करवा सकते हैं, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जिसमें क्लास साइन मिलता है, क्लास साइन किसमें मिलता होता है, इनटू सेक्शन में आपको देखने को मिलता होता है, ठीक है ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, टाइफाइड परफोरेशन, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन हुई है पेशेंट की, हाइड्रेट हुआ है, परफोरेशन में क्या कराते हैं, एक्सरे एब्डोमेन सुपाइन व्यू कराते हैं, इसमें क्या मिलेगा आपको, गट की लूप्स डायलेटेड होगी, फॉस्ट्रा स्पेस्ड होगी, स्टोमक और प्रोक्सिमल ड्यूडिनम डिस्टेंडेड होगी, डबल बबल अपेयरेंस होगी, और एयर अंडर राइट डायफ्राम जो कि कंप्रेशन को बताएगा, सॉरी परफोरेशन को इंडिकेट करेगा। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बिटवीन जूजिनम आईडियम और कोलोन होती है, यानी कैसे
डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो जो आईलीएम होती है वो सेंट्रल पड़ी होगी और ईयर फ्लूड लेवल देखने को मिलेगा। जूजिनम के अंदर वुल्वी कॉनिवेंटीज होती है, सॉरी वॉल्वुलस जैसे वेल्वुली कॉनिवेंटीज होते हैं, फीदरी अपेयरेंस होती है, स्टेप लैडर पैटर्न होता है, कोलोन में हॉस्ट्रेशन देखने को मिलती होती है। अब इसके बाद लिखे है कि एक पेशेंट है उसको टॉर्सो ट्रामा हुआ है, चेस्ट ट्रामा हुआ है, फास्ट स्कैन की यूटिलाइजेशन और लिमिटेशन, यूजेस ऑफ फास्ट स्कैन। फास्ट स्कैन पानी कोई जैसे कोई आपकी क्लोज कैविटीज इसमें कोई इंजरी तो नहीं होगी, तो पेरिटोनियल कैविटी और पेरिकार्डियम कैविटी में फ्लूड को देखने के लिए करते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी इंजरीज जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है इसके लिए कराते हैं। लिमिटेशन क्या होती है, ओके, अब बोवल के अंदर गैस होती है इसकी वजह से फ्लूड आपको नजर नहीं आएगा, या इम्फिसीमा उसकी वजह से भी आपको नजर नहीं आएगा, या हिमाटोमा उसकी वजह से भी नजर नहीं आएगा। इसके बाद जो कंट्रास्ट इनहांस सीटी स्कैन और डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज करते होते हैं, क्राइटेरिया फॉर पॉजिटिव डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज, ओके, तो इसके लिए कितना चाहिए, ग्रेटर देन 10 ml ऑफ ग्रॉस ब्लड उसको हम पेरिटोनियल कैविटी से निकाल सकते होते हैं, ओके। अब उसके अंदर इफ्लुएंट में क्या होता है, इसमें RBC 1 लाख से ज़्यादा के होते हैं, ओके। पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, 10 ml से ज़्यादा का निकालिए, RBC 1 लाख से ज़्यादा हो गया, WBC 500 है, बैक्टीरिया बाइल और अमाइलेज 174 का है, ओके। अब इसके बाद रेडियो न्यूक्लियाइड इमेजिंग है, जो रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन होता है, ओके, तो रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन एक ऐसी इमेजिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, ट्रेसर, जो कि ट्यूमर को सॉरी कैंसर को, ट्रॉमा को या इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकता होता है। जो ट्रेसर है उसको वेन में भी डाल सकते हैं या स्वेलर में डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल थायराइड पर देखने के लिए आयोडीन 131 आयोडीन 123 करते हैं। हार्ट के डिजीज को देखने के लिए थेलियम स्कैन होता है, यानी आइसोटोप होता है जिसको वेन्स में डालते हैं, जो कि कैंसर ट्रॉमा इन्फेक्शन को पहचानता है। पल्मोनरी एम्बोलाई को देखने के लिए टेक्नीशियम स्कैन करते हैं, टेक्नीशियम पर टेक्नेट स्कैन होता है, ओके, टेक्नीशियम 99 पर टेक्नेट स्कैन होता है। ट्यूमर को इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए गैलियम होता है, इसके अलावा 18 FDG भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर रेडियो न्यूक्लियर स्कैन के अंदर बोन स्किनटोग्राफी आ जाएगा, पेट स्कैन ये वाला 18 FDG इस्तेमाल करते हैं, DTPL रीनल स्कैन होता है, थैलियम स्कैन हीटर स्कैन होता है। अब मेरिट्स फायदे क्या होते हैं, इससे आप फंक्शनल इमेजिंग निकाल सकते होते हैं, फंक्शन तो नहीं कर रहा, पूरी बॉडी की इमेजिंग एक साथ कर सकते हैं, ओके। अब इसकी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है मेटास्टेटिक डिजीज़ के लिए और मेटास्टेटिक कैंसर को पहचानने के लिए, फ्रैक्चर को देखने के लिए कर सकते हैं। अब इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको स्पेसिफिक एजेंट चाहिए होते हैं स्पेसिफिक इंडिकेशन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के अंदर थेलियम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ओके। नॉन स्पेसिफिक या एब्नॉर्मल रिजल्ट मिल सकते होते हैं जिसके लिए आपको मजीद इमेजिंग करनी होती है, फिर पुअर स्पेशल रेजोल्यूशन होती है। तो उसके MCQ पॉइंट कर लेते हैं, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर इसोफेगियल कार्सिनोमा पर जी एंडोस्कोपी होती है, रेडियोथेरेपी आफ्टर हिस्टरेक्टमी, तो हिस्टरेक्टमी के बाद ब्रेकियोथेरेपी प्रेफर की जाती है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। इन्वेस्टिगेशन फॉर पेशेंट विद सीजर एपिलेप्सी या तो MRI ब्रेन करवाते होते हैं। किसी भी पेशेंट को IV कॉन्ट्रास्ट देने से पहले RFT चेक करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोटॉक्सिक होता है। पैनक्रियाटिक नोड्यूल के लिए कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन HRCT होती है, ओके। एक पेशेंट जिसको कॉन्ट्रास्ट एलर्जी आ गया तो एक्सरे KUB इस्तेमाल करना है, किडनी यूरेटर ब्लैडर। इमरजेंसी पॉलीट्रामा में एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन कराना होता है, बेस्ट मोडलिटी फॉर सर्वाइकल ट्रामा तो MRI स्पाइन होता है। डिसफेजिया फॉर सॉलिड लिक्विड तो बेरियम स्वैलो कराना होता है, ओके। बाकी कैंसर एक लेजी आ सकता है। बायलैटरल अल्ट्रासाउंड होता है, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में MRI करते हैं, ओके, देख लो। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन फॉर लंपी ब्रेस्ट 28 ईयर ओल्ड के अंदर डायग्नोस्टिक FNAC होती है, ओके। किसी का 10 सेंटीमीटर का मास है, इनल वर्ड से निकल रहा है, डेट मीन रेक्टल कैंसर है, कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है, ओके। कोलोनोस्कोपी हुई है लेकिन कुछ नहीं मिला, तो CT स्कैन करोगे। इमेजिंग फॉर ब्रेन ट्यूमर तो MRI कराते हो, ओके। सिस्ट और सॉलिड मास को डिफरेंशिएट करने के लिए, सॉलिड लंप को डिफरेंशिएट करने के लिए अल्ट्रासाउंड आता है। यूरिक एसिड स्टोन अपर 1/3 के अंदर है, ओके, और क्रिएटिनिन लेवल भी बड़ा खड़ा है, तो अल्ट्रासाउंड कराते होते हैं यूरिक एसिड स्टोन में, क्योंकि वैसे यूरिक एसिड स्टोन नज़र आ जाते हैं, देख लो आप, ओके। हाँ वैसे CT स्कैन वाला ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ब्रेन ट्यूमर MRI कराते हैं, एसोफेजियल कैंसर में एंडोस्कोपी करवाते हैं।